हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेस्टी बचे हुए चावल का ब्रेकफास्ट बता रही हूँ। ये सुबह का चावल है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बच गया था तो उसी चावल से मैं शाम का चाय के साथ ये ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक नाश्ता है, जल्दी से हम आसानी से बना सकते हैं फटाफट। तो ये एक कटोरी चावल है और इसमें मैंने एक कटोरी सूजी मिला लिया है और एक कटोरी बेसन। और इसमें मैंने एक आलू क्रश करके, कच्चे आलू को क्रश करके रख लिया था, वो भी हम ऐड करेंगे ताकि ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बने। और इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला, चटपटे टेस्ट के लिए हम चाट मसाला डालेंगे यहाँ पे, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर और प्याज, दो प्याज कटे हुए और हरी धनिया पत्ते। और तीखे के लिए यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, जीरा और अदरक का पेस्ट मिलाया है। इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नाश्ता हम सुबह का चावल अगर बच गया है और हमको कोई नाश्ता झटपट से बनाना है तो इस प्रकार हम नाश्ता बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही कम तेल में ये नाश्ता मैं बना के बता रही हूँ, ये आपे के बर्तन में। तो आपे के सांचे में हमने गरम करने के लिए रख दिया था गैस के ऊपर, और उसमें थोड़ा सा एक एक दूध बूंद हमने तेल डाला है, और ये देखिए उसमें गोल गोल बना के हम इस प्रकार से रख देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए, और इसको कवर करके ढक के 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। देखिए सारे खंड में हमने डाल लिया है ये गोले, और इसको ढक के रख दिया था 2 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर हम इसको पलट देंगे और चारों साइड से हम इसको क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होते तक सेक लेंगे। देखिए तो बहुत ही कम तेलों में बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बन के रेडी हो जाता है फ्रेंड्स, ये बचे हुए चावल का। और पता ही नहीं चलता हमने ये चावल मिला के मिक्स करके बनाया है ये नाश्ता, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप भी एक बार ट्राई करिएगा और मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और अभी एक और नाश्ते की रेसिपी है, इसके आगे भी मैं आपको बता रही हूँ, वो भी फटाफट से बनने वाला नाश्ता है, तो आप कहीं जाइएगा मत, वो भी देख लीजिए। देखिए तो ये नाश्ते के लिए उसी उसी बैटर में मैंने बना रही हूँ, उसी बैटर का। और इसके लिए मैंने तेल गर्म कर लिया है, तो ये इसको हम स्नैक बनाएंगे। ये देखिए वड़े के आकार में हम इसको डालेंगे, चाहे तो आप इसको लंबे लंबे भी डाल सकते हैं, मैं इसको चपटे करके डाल रही हूँ। तो ये कटलेट है फ्रेंड्स, ये इस प्रकार का, क्योंकि इसमें हमने आलू भी डाला है, चावल भी, बेसन, आटा, तो इस प्रकार से भी हम कटलेट बना सकते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ता, और बहुत ही फटाफट से हम बना सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार का नाश्ता अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी आप चावल से आप बना सकते हैं। एक अप्पे के सांचे में भी हम बहुत कम ऑयल में बना रहे हैं, और ये फ्राई करके इसमें भी ऑयल ज़्यादा नहीं लगता, बट ये हमको तल के ही बनाना है तभी ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ये देखिए हमारे कितने बढ़िया सिक गए हैं और उतने ही टेस्टी हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हम ये देखिए बचे हुए चावल का कई प्रकार का मैंने नाश्ता आपको पहले भी, इसके पहले भी बताया है, लेकिन ये नाश्ता बिल्कुल नया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कहीं जाइएगा मत। एक नाश्ता और है बचे हुए चावल का ही, तो देखिए बचे हुए चावल, एक कटोरी हमारा चावल है और एक कटोरी देखिए, तो इसको मैंने ग्राइंडिंग जार में लेके थोड़ा चिकना कर लिया है चावल को, और उसी जार में मैंने 1 कप पोहा ले लिया है, वो भिगा के, धो के भिगा के मैंने रखा था, उतना ही क्वांटिटी में हमको पोहा लेके उसको भी ग्राइंडिंग जार में चिकने कर लेना है। और कुछ बेसिक मसाले डाल के
और हरी धनिया पत्ती डाल के वो गोल गोल बना के इस प्रकार से हमको तल लेना है। तो ये भी कुछ अलग प्रकार का बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं देखिए, और बिल्कुल अंदर से बिल्कुल पोले और ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी सिके हुए और टेस्टी भी। देखिए ऊपर से बिल्कुल क्रंची है ये देखिए, और अंदर से बिल्कुल पूले और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी नाश्ता, फटाफट से बनने वाले। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, और न्यू है तो मेरे चैनल को